हाय अस्सलाम दोस्तों, वालेकुम आज मैं आपको दोस्तों, बताने वाला आज हूँ मैं कि अपने आपको मोबाइल से आप बताने वाला कैसे हूँ कि फ़ोटो एडिट कर सकते हो, कैसे यूट्यूब चैनल के लिए फोटो थंबनेल कैसे बना एडिट कर सकते हो। सकते तो हो। चलिए चलिए शुरू शुरू करते करते हैं हैं। दोस्तों। हाय दोस्तों, आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आपके मोबाइल में से आप कैसे थंबनेल बना सकते हो। एक बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आपका मोबाइल में खुद थंबनेल बना सकते हो मोबाइल से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की अपडेट तुरंत मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस ऐप को खोलना है। दिखा देता हूँ मैं दोस्तों आपको। सबसे आपको ये पिक्सल लैब नाम की एप्लीकेशन, वो आपको डाउनलोड करना है। बता देता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें काम कैसे करना है। ये एप्लीकेशन है, इसमें अलग अलग थीम्स दिए गए हैं। जो भी थीम्स हमें चाहिए वो ले सकते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें टेक्स्ट लेना है। पहले से इसमें टेक्स्ट दिया जाएगा, हम इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये जो ऊपर लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड जो प्लस का निशान दिख रहा है, साइन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर टेक्स करना है तो टेक्स आ जाएगा। ये आ गया टेक्स। जितने भी टेक्स लेना है तो यहाँ से हम ले सकते हैं। ये नेक्स्ट टेक्स ले लेते हैं। ये दूसरा टेक्स आ गया। ये देखिए, और लेना है तो और ले सकते हैं यहाँ से। कितने जितने टेक्स चाहिए उतने टेक्स हम यहाँ से ले सकते हैं। और टेक्स को डिलीट करना है तो ये डिलीट के निशान पर क्लिक कीजिए, उस पर सेलेक्ट कीजिए, डिलीट के निशान पर क्लिक कीजिए, डिलीट हो जाएगा। अभी दूसरा डिलीट करते हैं, डिलीट हो जाएगा इस तरह से। तो हम यहाँ पर कोई एक फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ से हम अच्छा सा एक फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं, ये चूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, कलरफुल वाला। देखिए आ गया। अब यहाँ पर हमें कुछ टाइप करना है। यहाँ पर टाइप करता हूँ मैं एडिटिंग ऐप्स। एडिटिंग ऐप्स यहाँ पर ओके करना है। देखिए ओके हो गया, यहाँ पर आ गया है। नीचे यहाँ पर है बटन मेम नेक्स्ट, इसको ऊपर भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, कुछ नया लेते हैं। ये जो है इसको लेते हैं मैक मनी, हाउ टू मैक मनी, हाउ टू मेक मनी। देखिए यहाँ पर ये देखिए आ गया। इसकी साइज भी बड़ी कर सकते हैं हम, कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसका साइज चेंज करना है तो यहाँ पर नीचे नज़र आ रहा है ए, नीचे लेफ्ट साइड में ए नज़र आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। ये डिटेल आ जाएगा यहाँ पर। डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इसे बैक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से हमें साइज़ भी लेना है। साइज़ के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं। देखिए साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ कम कर देता हूँ इसको। हमें रखता हूँ 101 साइज़ रखता हूँ, ठीक है। ओके कर देना है यहाँ पर हमें सिंपल। यहाँ से फिर कलर है, यहाँ से कलर भी ले सकते हैं। देखिए कलर आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये कलर है, ठीक है। ये कलर लिखा गया, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है, रेड कलर पर, और ओके कर देते हैं। ओके कर दिया। अगर ये इसके पीछे में फ़ोटो लेते हैं, चलिए फ़ोटो फ़ोटो जैसा रहेगा उसी तरह से इसका नज़र आएगा हमारा ये लिखा हुआ। देखिए यहाँ पर ये फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है, ओके कर दिया मैंने, ठीक है। ये आ गया फ़ोटो, इसमें पूरा फ़ोटो नज़र आ रहा है आपका, और ओके कर देना है। ओके करने के बाद कैपेसिटी लेते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा ही है ब्राइटनेस जो होता है वो ब्राइटनेस यहाँ पर रहेगा। इफ़ेक्ट शेडो ऑन कर देते हैं, यहाँ पर ओके करना है। उसके बाद आप मास्क ले सकते हो, लेकिन मास्क हमें नहीं लेना है, ठीक है, हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं मास्क को। और यहाँ पर फ्रंट देखिए, फाउंट देखिए, फाउंट देखिए, ये फाउंट है छोटा जो ए बी नज़र आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ कौन सा चाहिए वो लेना है हमें, यहाँ पर जो भी आप लेना चाहते हैं। हम सिंपल ले सकते हैं, अच्छा ले सकते हैं, ये लेते हैं, ये ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। देखिए आ गया, उसमें हमारा फ़ोटो भी नज़र आ रहा है, एकदम बेहतरीन नज़र आता है। और
हाउ टू मेक मनी, यहाँ पर लिखते हम बाय इंटरनेट, बाय इंटरनेट मतलब इंटरनेट के ज़रिए। अब इसे हम यहाँ पर रखते हैं और इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। साइज़ लेते, अच्छा साइज़ देखिए यहाँ पर इसकी साइज़ को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर रख के साइज़ बढ़ जाती है इसकी, ये साइज़ बढ़ा दिया, ओके कर दिया। इसके बाद आप और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पूरे ऑप्शंस में बता नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा। शेडो देखिए, इसका शेडो भी हम डाल सकते हैं, ये देखिए शेडो, ब्लैक शेडो, कोई भी कलर का शेडो डाल देते हैं। शेडो मैंने लाल डाल दिया, अच्छा दिख रहा है। और दूसरा है इसमें देखिए, इनर भी है, इसको भी ऑन कर देते हैं, ये लाल है इनर। 3D भी तो बता देता हूँ, 3D में देखिए, ये 3D देखिए, ये 3D कर देता हूँ, इधर का भी कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं 3D, है 3D वीडियो भी, फोटो भी बना सकते हैं आप यहाँ से। इतना ही रहने दीजिए, मैं इतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ये इनपुट इमेज है, यहाँ से इमेज ले सकते हैं आप कोई भी इमेज। देखिए मैंने ये इमेज ले लिया, ओके कर देता हूँ, सपोज देखिए आ गया। अगर आपको इमेज डालना है इसके नीचे तो इमेज भी डाल सकते हैं, छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये मेरा चैनल है, इसके लिए शार्प देखिए, इसमें ये भी आ गया। देखिए ये इस तरह से भी ले सकते हैं आप, और कुछ नया चाहिए देखिए, इसमें कोई सिंबल भी बना सकते हैं आप आसानी से, ऐसा लिखकर आपके मोबाइल आपके चैनल का सिंबल बना सकते हैं। देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं लेता हूँ। ये देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ये देखिए ड्राइव भी कर सकते हैं आप, ये देखिए ये इसमें, यहाँ पर क्लिक कीजिए राइट साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पर यहाँ पर क्रॉप भी कर सकते हैं आप, इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, क्रॉप तो हमें नहीं करना है, कैंसिल कर देता हूँ। ट्रांस भी कर सकते, देखिए यहाँ से आप जैसे कि आप हमारा एक सिंबल बना सकते हैं आपके मोबाइल आपके चैनल के लिए सिंबल बना सकते हैं, सिंबल ही बना सकते हैं। हम ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके इमेज साइज़, इमेज की साइज़ भी ले सकते हैं, 1280 1280, तुम्हारा इतना ही साइज़ है, ये थंबनेल का साइज़ होता है, नहीं थंबनेल का ठीक है, उतना काफ़ी है थंबनेल के लिए। यहाँ पर इमेज है देखिए, ये अलग अलग इमेज भी है इसके अंदर, इसके अंदर से कोई इमेज चाहिए आपको तो वो इमेज ले सकते हैं आप। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, और मैंने आपको इसको एक थंबनेल बना के बताया, एक कैमरा फ्रंट, अगर आपको अभी कैमरे से फ़ोटो लेना तो अभी लेते हैं फ़ोटो, हो गया अभी, अब ओके करना है, ये आ गया। छोटा बड़ा कितना लेना है कौन सा, इतना ही लेता हूँ, ये ले लिया ठीक है, ये आ गया नीचे। उसके बैक साइड में गद्दा भी आ सकता है पीछे, देखिए। तो आपको ये जानकारी समझ आई होगी, ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी है और इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, इसका नाम है पिक्सल लैब। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यूज़ कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की जानकारी मिल सके दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।